त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, उनके इस विशेष गुण को त्रिभुजों की समरूपता कहते हैं। दो त्रिभुज समरूप होने के कुछ नियम हैं जिन्हें हम यहाँ सिद्ध करके भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले समरूप है, उसका समरूप का चिन्ह होता है वो समरूप का। दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके बीच में ये इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, ये समरूप का चिन्ह है। और समरूपता के नियम हैं वो है ए समरूपता नियम, दूसरा है एस एस यानी बुझा बुझा समरूपता नियम नियम, और तीसरा है एस ए एस समरूपता नियम नियम। तो हम सर्वप्रथम प्रमेय 11.6 को देखिए। ए समरूपता नियम, ए समरूपता नियम दो समान कोण त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो इसमें हमें दिया है दो त्रिभुज, दिया है त्रिभुज ए बी सी एवं दूसरा त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ। तो यहाँ हम दोनों के चित्र बनाते हैं, ये वाला त्रिभुज ए बी सी ए बी और सी, और यहाँ ये दूसरा त्रिभुज, ये वह त्रिभुज हो गया डी ई एफ। तो इन दोनों त्रिभुज में दो समान कोण त्रिभुज, यानी इन दोनों त्रिभुजों के कोण समान है। तो कोण कौन सा, कोण ए है वो कोण डी के समान होगा। कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, इसका कोण बी है वो इसके कोण ई के बराबर हो गया। कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी इसका वो कोण एफ के बराबर हो जाएगा। कोण सी बराबर कोण एफ, ये हमें दिया है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह अभी मैंने बताया था, तो उस हिसाब से समरूप का चिन्ह लगाया। ये समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हमें समरूप सिद्ध करना है। इसको समरूप सिद्ध करने के लिए, क्योंकि समरूप त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाएं या उसके भुजाओं का जो नाप होता है वो समान ना होकर के छोटा या बड़ा होता है, लेकिन अनुपातिक होता है। तो इसमें जैसे ये त्रिभुज है जिसका माप दूसरे त्रिभुज से छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम इसकी रचना इस तरह से करें। रचना इसमें जैसे ये ए बी है, इसके बराबर लगभग यहाँ पर एक बिंदु ले लिया पी, तो हम ए बी बराबर डी पी तथा ए सी के बराबर, इधर जितना ए सी है उसके बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू क्रम से भुजा भुजा डी ई और डी एफ पर काटा, डी ई और डी एफ में से काटा, और पी क्यू को मिला दिया और पी क्यू खींचा।
अब यहाँ देखिए, अब देखिए त्रिभुज उत्पत्ति, त्रिभुज एबीसी, एबीसी एवं त्रिभुज डीपीक्यू, डीपीक्यू में, डीपीक्यू में क्या होगा कि इस त्रिभुज की भुजा एबी, एबी और डीपीक्यू की भुजा डीपी, ये रचना से बराबर दे रखी है, रचना में हमने बराबर खींची थी रचना से। दूसरा कि इसका कोण ए, एबीसी का कोण ए, इसका कोण ए बराबर उसका कोण डी, कोण ए बराबर डी हमें दिया गया है, कोण ए बराबर डी ये दिया है, और इसकी भुजा ए सी बराबर डी क्यू, ए सी है वो उस त्रिभुज डी पी क्यू की डी क्यू के बराबर है रचना से। तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज दोनों त्रिभुज ए बी सी एंड डी पी क्यू, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू भुजा कोण, भुजा नियम से भुजा कोण, भुजा नियम से त्रिभुज एबीसी और यहाँ सर्वांगसम, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डीपीक्यू। सर्वांगसम में दो बराबर के ऊपर एक समरूप का चिन्ह होता है ये इस तरह से। तो ये सर्वांगसम हो गए त्रिभुज एबीसी, सर्वांगसम त्रिभुज डीपीक्यू। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगतव्यय बराबर होते हैं सीपी सीटी से, सीपी सीटी से यानी कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगतव्यय बराबर होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का कोण बी, कोण बी बराबर होगा डीपीक्यू का कोण पी के बराबर, पी के बराबर, और इसी तरह से इसका कोण सी हो जाएगा कोण क्यू के बराबर, कोण सी बराबर कोण क्यू। लेकिन हमें दिया है कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई ये हमें दिया है। तो कोण बी बराबर पी के है और कोण बी बराबर ई के है, तो इससे क्या हो गया, या ये हो जाएगा कोण पी बराबर कोण ई, कोण पी बराबर कोण ई। तो कोण पी और ई को देखिए, ये कोण पी है और ये कोण ई है, तो ये दोनों कोण है संगत कोण, जो कि संगत कोण है, संगत कोण है। यदि संगत कोण बराबर हो, यदि संगत कोण, संगत संगत कोण, संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है, इसलिए पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ, पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू ई एफ के समांतर हो गया। अब देखिए त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू समांतर ई एफ हमने सिद्ध कर दिया, तो इसमें बी पी टी लगाएं, बी पी टी के विशेष अनुपातों से, विशेष अनुपातों से। बी पी टी के अंदर हम सीधा लिखते हैं डी पी बटा पी ई बराबर डी क्यू बटा क्यू ई, लेकिन विशेष अनुपात में मैंने बताया था कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि डी ई बटा डी पी, और इधर हो जाएगा पूरी भुजा डी
एफ बटा डी क्यू, तो हम ये लिखते हैं, हमने लिख दिया डी पी, इसकी भुजा ले ली डी पी और बटा हो गया डी ई, डी पी बटा डी ई और बराबर इधर हो जाएगा डी क्यू बटा डी एफ, डी क्यू बटा डी एफ। रचना में हमें दे रखा है, रचना में हमें दे रखा है कि ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर दिया है डी पी, और ए सी बराबर दे रखा है ए सी बराबर डी क्यू। तो ये मान हम रख दें, यहाँ डी पी की जगह, डी पी की जगह रख देते हम ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बटा, ए बी बटा डी ई बराबर इधर हो जाएगा डी क्यू की जगह रख देंगे ए सी, तो ए सी बटा डी एफ, ये समीकरण बन गया एक। इसी प्रकार, इसी प्रकार अभी जैसे हमने किया ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, तो इसी प्रकार हम इसमें सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार, इसी प्रकार जैसे, इसी प्रकार देखिए वही त्रिभुज मैं एक बार यहाँ बनाता हूँ, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ये हो गया डी ई एफ। तो इसमें अब की बार हम जो इसमें खंड कट करेंगे वो एक तो ए बी के बराबर, यहाँ जैसे मान लो ये हो गया, इसका नाम हो गया जैसे इधर हो गया ये तो पी हो गया, और इधर हमने डी पी बराबर ये पी ई, ए बी बराबर हमने अब की बार काटा पी ई, ये ए बी के बराबर ये ई पी काट लिया, और बी सी के बराबर हम काट देंगे बी सी के बराबर ई आर। तो इस तरह से इसको यूँ अब हम मिलाते हैं, तो मिला करके वही दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करके, और हम इस पूरी प्रक्रिया के तहत हम इसमें सिद्ध कर देंगे कि ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई बराबर इधर हो जाएगा बी सी बट्टा, बी सी बट्टा ई एफ, ई एफ, ये हमारा समीकरण बन जाएगा दो। तो समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक व दो से क्या हुआ, ए बी बटा, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ और बराबर हो गया बी सी बटा ई एफ। तो ये तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई, तो भुजा 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ऊपर ए बी सी, ए बी सी और समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हुए इति सिद्धम। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें हमने, हमें दिया गया था ए ए समरूपता यानी तीनों कोण बराबर होने के नियम, तो ए ए को, ए ए ए को संक्षिप्त में, क्षिप्त में ए ए से भी सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, जा सकता है, क्योंकि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हों तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग समान होता है, तो दो कोण बराबर होने के कारण उनमें तीसरा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसको ए ए नियम से काम चला लेते हैं।